फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी नाश्ते में बनाने जा रही हूँ ये छोले। छोले पहले से ही बॉयल रखे थे, बट फ्रिज में थे तो बहुत ही ज़्यादा अकड़ गए थे, इसलिए जो है मैं इन्हें दोबारा से एक बार थोड़ा सा बॉयल कर रही हूँ इसी बाउल में। और ये दूध गर्म होकर रखा है। और सूखे छोले बनाऊँगी बिल्कुल, नींबू और प्याज और टमाटर हरी मिर्ची डाल के, ग्रेवी वाले मसाले वाले नहीं बनाऊँगी, तो ऐसे ही बनाना नाश्ते के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की बातें। और आप हैं ज्योति के साथ, तो कैसे हैं आप लोग। और आज मैं हूँ येलो डर्टी फेलो। और आज हम दोनों सिर्फ एक जैसे हैं, मतलब कलर चेंज है, बट हम दोनों ने कुछ एक तरह की टी शर्ट्स पहनी है, ये मिकी माउस वाली, और जो है लोअर पहना है। तो आज हम दोनों ने सेम से कपड़े पहने हैं। और देखो प्रीति तरबूज काट के लाई है, ये देखो। तो हम लोग खाने जा रहे हैं तरबूज। और एक लड़का ये देखिए खा रहा है सुबह जो छोले बनाए थे, और बिरयानी और रोटी और सलाद, तो ये खा रहा है। और साथ में देखो ये लगे हुए हैं बेटा, तो यही लगे हुए हैं। तो बस, अरे मेरी गुड्डो रानी को तो हमने दिखाया ही नहीं। गुड्डो रानी तरबूज खा रही है। गुड्डो रानी चाचा हेलो हाय कर दो कुछ। जरूर हेलो। शाम के बज गए हैं 6:30 और टाइम हो रहा है चाय पीने का। चाय के साथ खाएंगे हम समोसे। आज सुबह समोसे लाए हैं और मेरी आवाज़ पता नहीं क्या होगी। तो आज हम समोसे खाने जा रहे हैं, चाय समोसा। और एक लड़की बहुत सतानी कर रही है आज, उसने सारा दिन अपनी मम्मी को बहुत परेशान किया है, तो उस लड़की को जरा इधर लेके आओ। एक लड़की बहुत सतान, उसका नाम सानू। सानू नहीं मिट्टू। ये लड़की बहुत शैतान है, इसने आज सारा दिन बहुत तंग किया है, बहुत तंग किया। नहीं वो नहीं खा पाई। सानू इधर देखो, इधर देखो बाबू देखे, बाबू देखे, बाबू गाना सुना दो, बाबू गाना सुना दो। अरे वो गा रही है, बाबू गाना सुना दो। चाय चाय आ गई, देखा बोली इतनी खुश हो जाती, ये चाय देख के बहुत खुश होती है। चाय मांग, गाना सुना दो। चाय अब कुछ नहीं बोलेगी लड़की, अब चाय देख ली उसने। चाय के साथ टोस्ट टोस्ट इसको भिगो पिला, मतलब नहीं खिलाओ तो इतना रोती है कि पूछ। बाबू इन्ना 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 बोल दो, शानू बोलो। शानू देखे, शानू देखे, देखो चाय नहीं लगी। शानू देखे, देखे, देखे। शानू देखे। अच्छा मिट्टू शानू मुंह बना के दिखा दो, मुंह चढ़ा दो, मुंह चढ़ा दो बाबू, मुंह चढ़ा दो, मुझड़ा दो भैया को। अच्छा भैया गुलाब, भैया गुलाब आओ, भैया आओ, भैया गुलाब दो, भैया सामने ही तो बैठे हैं, भैया आओ। भैया क्या अपने आप ही नहीं, तुमने गिराई है। भैया आओ, भैया चाय दे दो। और बहुत शोर होने वाला है क्योंकि शिबू यश चाय पी रहे हैं, तो शोर बगैर तो ये लोग कोई काम नहीं करते हैं। चलो चाय पी लेते हैं पहले। बाय, सी यू लेटर, थैंक यू। आप जानबूझ के लाइए क्योंकि मुलायम है। Thank you.
तो फ्रेंड्स डिनर तैयार हो गया है। ये जो लौकी की सब्जी बनाई है, लौकी की भुजिया और ये करेले बन गए मेरे। तो सब अभी धीमे धीमे आँच पे ही पकड़ा करेले तो जितनी धीमी धीमी आँच पे भूनते जाए उतने ही टेस्टी आते हैं लगते हैं। और इसमें दाल है, इसमें राइस है, तो दाल राइस है और ये है होकर छोड़ देता है। और ये लौकी की सब्जी और ये है करेला, ये सब रेडी हो रहा है। और ये आटा मैंने लगा के रख दिया। और एक तो बात बताई नहीं हमने, जो है ममता की मम्मी आज से है छुट्टी पे एक हफ्ते की, क्योंकि वो गई है नेपाल, उनका कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क था तो उन्हें जाना पड़ा इमरजेंसी में। तो आजकल मेरी वाट लगी है इसलिए देखिए मैंने अभी थोड़े बर्तन धुल के रख दिए हैं, जिनसे कि ज़्यादा ना हो बर्तन, ज़्यादा हो जाएंगे तो मेरी कमर दुखने लगेगी क्योंकि आदत छूट गई है बर्तन धुलने की। तो मैं थोड़े थोड़े हो रहे हैं और मैं धुलती जा रही हूँ, है ना, ठीक है ना, थोड़े थोड़े धुलते रहने चाहिए, इकट्ठे कर लेंगे तो बहुत मिलेगी। क्योंकि आज सुबह मैंने बहुत सारे इकट्ठे बर्तन धोए तो मेरी कमर में दर्द हो गया। तो ये मेरा रेडी ना रेडी है। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो आप दीदी दिखा, मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूं। अरे उल्टा सीधा देख के दो, काटो तू, रुक जा इधर आ, इधर बैठ के काटो आके। चलो चलो चैनल दिल की बातें और आप है ज्योति के साथ। तो कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है, आई होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही कुशल मंगल होंगे। तो आज डेट है 28 और आज है मेरी सिस्टर का बर्थडे। तो देखा आपने रात में कि केक कटिंग हो गई और ये मेरा बेटा टीवी नहीं धीमा कर रहा है। तो रात में ही केक कटिंग की सेरेमनी हो गई थी और अब बहुत ही टाइम हो गया, लेकिन कल मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया जिससे मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैं अभी तक नहीं आ पाई। तो यशु के हाथ में एक आप ये बैंक की बुक देख रहे होंगे, तो मेरे साथ कल बहुत फ्रॉड हो गया और मैं रात में परेशान हो गई थी क्यों कि क्या हुआ। एक्चुअली हुआ यूँ कि कल 9:30 बजे के करीब मेरे फ़ोन पर मैसेज आया कि मेरे पेटीएम के थ्रू मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है, डेबिट हुए हैं 5,000 रुपीज़। तो कैसे पता नहीं क्या फ्रॉड हुआ और मैंने पता नहीं कैसे, और फिर मैंने तुरंत मैंने सोचा कि शायद मेरे हस्बैंड ने
विड्रॉल किए होंगे पैसे या एटीएम से निकाले होंगे, उनके पास एटीएम था कल, बट जब वो घर आए तो मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं निकाले हैं। और काफ़ी पूछताछ मतलब हम दोनों के बीच चले कि याद कर लो ये है वो है करके, बट उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं निकाला है। फिर मैंने हेल्पलाइन पे फ़ोन किया तो फिर पता चला लोकेशन वगैरह कि कौन किस एरिया के जो है एटीएम से निकाले गए हैं पैसे। फिर उसके बाद मैंने अपना यूपीआई पिन और एटीएम कार्ड वगैरह सब ब्लॉक करा दिया। अब पैसे तो चले गए वो तो मुझे पता है कि मिलने नहीं है, बट अब मुझे दूसरा एटीएम कार्ड चाहिए तो उसके लिए मुझे जाना है बैंक, तो मैं उसी के लिए जाने वाली हूँ और वहाँ जाके मैं अप्लाई करूँगी। देखो कितना टाइम लगता है क्योंकि अब मुझे एटीएम की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज मुझे शॉपिंग करनी है, बिकॉज मुझे घर जाना है शादी के लिए और वहाँ पर एटीएम होना मतलब बहुत ही सुविधाजनक बात होती है। और ये एक मेरे सिर पे एक और काम आ गया, मुझे इतनी चिड़चिड़ाहट मची। तो बस अभी मैं बैंक के लिए निकल रही हूँ और फिर आपको लंच वंच देखती हूँ और मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, बताती हूँ कि बैंक में मुझे क्या बोला गया। और ये बच्चा देखो मेरा कैसे आजकल बहुत शैतानी कर रहे हैं लोग, मतलब मैं परेशान दुखी हूँ, चीख चीख के। आप मेरा गला जो देख रहे हैं ना ये इन्हीं लोगों की देन है, इतना परेशान कर रहे हैं। तो मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अब आ गई हूँ घर और बैंक में मुझे बोला गया कि आप परसों आइएगा, एक फॉर्म फिल करके लाइएगा, फॉर्म में ले आइए और तब आपको एटीएम मिल जाएगा। इधर कर और मैं उधर गई थी कि मैंने कहा चलो कल प्रीति जाएगी तो साड़ियाँ लेनी थी कुछ मुझे, तो मैं कुछ साड़ियाँ लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। प्रीति खोलेगी मैं दिखाती हूँ। एक ये येलो साड़ी है, इधर करके दिखाती हूँ मैं, और इसमें सिर्फ ये बॉर्डर है। तो ये साड़ी मैं एक लाई हूँ, इसका ब्लाउज बहुत ही अच्छा है, ये ब्लाउज है इसका, वर्क है ब्लाउज में, ये बैक का है तो ऐसे ये ब्लाउज है। और ये भी शिफॉन है, मुझे पता नहीं क्यों गर्मियों में थोड़ा सा हल्का कपड़ा ही चाहिए और अच्छा लगता है, तो ये ऐसे ये प्योर प्लेन है और शादी वाले घर के हिसाब से येलो साड़ी सही है ये। तो एक येलो, एक ये बॉटल ग्रीन, ये साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है, सुंदर सी साड़ी है और कपड़े में बहुत अच्छा शाइन है। और दो मैं प्रिंटेड साड़ी लाई हूँ क्योंकि गांव है वहाँ पे मुझे पहननी पड़ेगी साड़ी। तो ये है एक प्रिंटेड साड़ी है, बहुत ही सुपर फाइन कपड़ा है, बिल्कुल कपड़ा तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। तो एक ये प्रिंटेड सा साड़ी है, इसमें ऐसा बॉर्डर लगा हुआ है और बस इसमें कोई काम, कोई कढ़ाई, कोई सितारा, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये प्रिंटेड साड़ी है। ऐसे बहुत ही मतलब लाइट लाइट से कलर्स है, मुझे बड़ी प्यारी लगी है साड़ी। और एक साड़ी है ये ऑरेंज है, ये भी शिफॉन के कपड़े पे है और इसमें ये हल्के हल्के से छोटे छोटे से काम है और ये बॉर्डर है। ये भी साड़ी बहुत खूबसूरत है, प्रिंटेड पे काम है ये। ये ऐसा है, ये प्लेट्स पे आएगा, ये जो क्या कहते हैं इसे, लहरिया कहते थे, ये जो लहरें बनी है ये प्लेट्स पे आएंगी और ये वाला पल्ले पे आएगा, ये प्रिंट पल्ले पे आएगा। तो ऑल ओवर ये साड़ी भी बहुत अच्छी, थोड़ा गेरुआ ऑरेंज कलर है ये। तो ये मैं चार साड़ियाँ लेके आई हूँ, ये गेरुआ, ये पिंक, येलो और ये बॉटल ग्रीन। तो थोड़ी सी शॉपिंग और बहुत गर्मी है यार, मैं धूप में जल गई, थोड़ा सा ट्रैफिक था। शॉपिंग हो गई है और बैंक का काम भी हो गया, अभी मुझे परसों फिर एक चक्कर लेंगे, बहुत धूप है, इतनी धूप की बस जले जा रहे थे। और जहाँ जहाँ ट्रैफिक लग रहा था, स्कूटी रोकनी पड़ रही थी, वहाँ तो बस जैसे लग रहा था वो ऊपर से कोई आग फेंक रहा है। और 3 बज गए, अभी कुछ भी नहीं बनाया ना खाया है, तो भूख बहुत तेज लग रही है। हमारी सुंदरी जो एक है ना मेरी शानू, वो भी भूखू हो गई है ना बाबू।
आजा 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 मछली पास आजा मछली पास आजा आजा जी जल्दी से तो सर लड़ा लिया तो अब बस जल्दी से जा रहे हैं हम लोग कुछ बनाने पिज्ज़ा बनाने जा रहे हैं पिज्ज़ा बनाएंगे और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना यार मैं रोशनी वजन कैसी आ रही है मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय टेक केयर अपना खूब ख्याल रखना खूब खुश रहना और मेरी बाबू को जाते जाते देख लीजिए।